एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं अपने गांव की, जो हमारे गांव की एक अप्सरिया नदी है। तो हम नदी के किनारे अभी इस समय हम मौजूद, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे का नज़ारा। अभी जो है नदी, ये अप्सरिया नदी जो है खाली है बिल्कुल, और तो अभी जो है थोड़ा सा पानी स्टार्ट है। तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखते रहें। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। पीछे का नज़ारा आप जो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो आपको मिले देखने सबसे पहले। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करिए। सो गाइस, जैसा कि आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, काफ़ी प्यारा खूबसूरत नज़ारा है। ये नदी है अप्सरिया, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से इसका पानी दिखा दूँ। ये देखिएगा गाइस, अभी जो है ये नदी है, और अभी ये काफ़ी दिनों से ये खाली चल रही है और इसमें अभी पानी नहीं आया है, और क्योंकि पुल पर काम चल रहा है इसी कारण जो है इसमें पानी नहीं छोड़ा गया है। तो ये नदी हमारी इस साइड से आई हुई है, अप्सरिया नदी इसको बोलते हैं। सामने जो है शमशान भूमि, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। पानी की लहरें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हुई, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा है पानी का। चलिएगा अभी थोड़ा उस साइड में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड, ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प नज़ारा। ये देखिएगा पूरे यहाँ का एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। गाइस, इस तरीके से देखिए सामने से सूरज। अभी मैं उस साइड से चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा। सो फ्रेंड, यहाँ का जो नज़ारा है मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, तो अभी मैं जो हूँ उस टीले पे जाने वाला हूँ। उस टीले से आपको दिखाता हूँ यहाँ का दिलचस्प नज़ारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस टीले पर, तो टीले से आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, क्योंकि सामने का जो कैमरा ये 8 मेगापिक्सल है, और पीछे का कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल है। तो मैं 13 मेगापिक्सल कैमरे से, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, ये है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प खूबसूरत। तो गाइस, ये देखिएगा सामने से ये पाकर, ये पिचंग है, जिससे कि पानी इस नदी में ज़्यादा भर जाता है, तो ये पिचंग जो होती हैं ये पानी का बहाव रोकती हैं थोड़ा सा। क्योंकि सामने जो आप देख रहे हैं ये रोड जो चल रहा है, तो इस रोड को बचाती हैं ये धार, वरना रोड तक जो है ये नदी पहुंच जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से ये पिचंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस, मैंने अपने गांव का दिलचस्प नज़ारा आपको दिखा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का। सो गाइस, आई होप, मुझको लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये छोटी ज़रा सा भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और मेरा कोई कंटेंट ठीक नहीं है, तो मैं गांव से ही रिलेटेड सभी वीडियोस बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।